हमारा एक नया चैप्टर शुरू होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी पूरी बॉडी को आपस में जोड़ने का काम, पूरी बॉडी को आपस में जोड़ने का काम हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। आपके पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक आपके जो एक दूसरे से कनेक्शन है, जैसे पीनियल ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को बनाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकलता है और ग्रोथ आपके पूरे शरीर की होती है, यानी पैर के नाखून तक की ग्रोथ होती है। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, ये सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन का होता है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब इस ब्लड के सर्कुलेशन को जिस सिस्टम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन एक सर्कुलेशन आप ये देखेंगे कि हमारा शरीर में ऊपर भी है सर्कुलेशन जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। अगर मैं बात करूं हमारे हार्ट की, तो हार्ट क्या है, आपने देखा होगा छाती में हमारे स्टर्नम बोन के पीछे होता है, यानी कि दोनों निपल्स के बीच में होता है, स्टर्नम बोन के पीछे होता है और हार्ट है ये हमारा, है ना। और हार्ट क्या है, एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है, यानी कि आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेशन पहुंचे। चलो नीचे तो हमने मान लिया कि ड्यू टू ग्रेविटी हमारा सर्कुलेशन नीचे आराम से जा सकता है, पैरों के नाखून में जा सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ हमारे सिर की तरफ, क्योंकि हार्ट तो बीच में है, हमारे सिर की तरफ, हमारे फेस की तरफ, हमारे कानों की तरफ, हमारे बालों की तरफ सर्कुलेशन का जाना अपोजिट डायरेक्शन में है, किसके, ग्रेविटी के है। ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, ये हमें न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हर चीज नीचे ही गिरेगी जब हम उसे ऊपर उछालेंगे, है ना, या कहीं से भी छोड़ेंगे। तो ये तो जानकारी हमें न्यूटन साहब ने दे दी थी कि कोई भी चीज नीचे ही गिरेगी। अब मैं कहूं कि सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ब्लड नीचे ही आएगा, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी के ऊपर भी तो सर्कुलेशन जाता है, यानी कि हार्ट से ऊपर सर्कुलेशन जाने के लिए एक फोर्स क्रिएट होता है, एक दबाव क्रिएट होता है, एक ताकत, एक एनर्जी लगती है जो हार्ट पंपिंग करता है। हार्ट एक प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड के अंदर और उस प्रेशर की वजह से ही हार्ट के ऊपर के हिस्से में भी ब्लड सर्कुलेशन जाता है और अपोजिट ग्रेविटी के जाता है, यानी कि उस ग्रेविटी फोर्स को क्रॉस कर हम कोई चीज को ऊपर फेंक पाते हैं। तो हार्ट हमारा क्या है, एक टिल्लू पंप की तरह काम करता है। टिल्लू पंप क्या करता है घरों में, कि आपका, आपके घरों में पानी आता है, सरकार की तरफ से आता है, MCD की तरफ से, जो भी आप लोगों के यहाँ पर लोकल बॉडी होगी गवर्नमेंट की, वो पानी आपको भेजती है, सप्लाई करती है। उस पानी को हमारे अंदर, घर के अंदर सबके यहाँ मोटर लगी होती है और उस पानी को मोटर क्या करती है, हम सुबह शाम जब पानी आता है उस समय मोटर को चला देते हैं। उस पानी को हमारी मोटर क्या करती है, इतनी तेज स्पीड से ऊपर फेंकती है कि वो हमारी टंकी में पहुंच जाता है। हमारी मोटर का कोई यूज नहीं है, मोटर से पानी नहीं आता, पानी तो हमारी सरकार दे रही है या हमारी जमीन में से पानी आता है। आपने बोरिंग लगा रखी होगी, कुछ लगा रखी होगी, तो पानी तो ऑलरेडी है, लेकिन उस पानी को इतना प्रेशर दे देना कि वो हमारी छत की टंकी जो 20-22 मंजिल ऊपर होती है वहां पर उन पानी को भेजने का काम करती है। कौन करता है, ये मोटर करती है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी एक छोटी सी मोटर लगाकर भगवान ने भेजी है कि बॉडी के अंदर हर जगह पर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। उस सर्कुलेशन को भेजने का काम हमारे शरीर में यही टिल्लू पंप यानी कि मोटर का काम हमारा हार्ट करता है। हार्ट क्या है, एक मोटर का काम करता है जिससे कि हमारी पूरी बॉडी का सर्कुलेशन जाता है। अब आप ये लोग आप समझें इसको थोड़ा सा, मैं इसको बुकिश लैंग्वेज के अलावा थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। हार्ट क्या करता है, आपके ब्लड को साफ कर आपके ब्लड को लाकर, यानी कि हार्ट के अंदर ब्लड आता है, ब्लड क्या करता है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। उस पानी को हम लोग यूज कर लेते हैं, यानी उस ब्लड का यूज हर हर ऑर्गन कर लेता है। उस ऑर्गन यानी कि हर ऑर्गन उस ब्लड का यूज कर उसे प्योर से इनप्योर बना देता है। प्योर से इनप्योर का मतलब है, प्योर का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इनप्योर का मतलब है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उसे हम प्योर ब्लड कहते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है उसको इनप्योर ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, उसे इनप्योर ब्लड कहते हैं। हार्ट हमारा प्योर ब्लड को तो भेजता ही है, इनप्योर ब्लड को भी प्योर होने के लिए भेजता है लंग्स के पास में। लंग्स के पास में हार्ट हमारे ब्लड को भेजता है
और लंग्स क्या करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो यानी कि लंग्स श्वास छोड़ता है और छोड़ने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड फिर हार्ट के पास पहुंचता है, हार्ट इसको फिर पंप करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। फिर पूरी बॉडी इस ऑक्सीजन युक्त ब्लड को, प्योर ब्लड को यूज कर देती है, गंदा कर देती है, गंदा करके फिर हार्ट में भेजती है, हार्ट उसे लंग्स में भेजता है, लंग्स उसे प्योर करके फिर हार्ट में भेजता है, हार्ट पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। तो ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है, हार्ट एक मीडिएटर का काम करता है। हार्ट के अंदर प्योर ब्लड भी आता है, हार्ट के अंदर इनप्योर ब्लड भी आता है, पूरी बॉडी से इनप्योर होकर हार्ट में आता है, हार्ट उसे प्योर करने के लिए लंग्स में भेज देता है, लंग्स उसको प्योर करके दोबारा हार्ट में भेज देता है, हार्ट उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के बाद हर बॉडी का पार्ट सेल उसका यूज करती है, यूज करके थोड़ा थोड़ा कर हार्ट में भेजती रहती है, हार्ट उसे फिर प्योर कर देता है लंग्स के पास भेजकर। तो इस तरीके से हमारी लाइफ चलती रहती है, है ना। तो हार्ट हमारा एक टिल्लू पंप की तरह काम करता है। हार्ट हमारा वो ऑर्गन है जो लगातार नॉन स्टॉप काम करता है। लगातार नॉन स्टॉप का मतलब है कि बिना रुके बिना थके ये काम करता है, जिसमें हमारे किसी भी प्रकार से इसमें रुकने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हार्ट रुक गया तो जीवन लीला रुक गई, हमारा सारा का सारा काम क्रियाक्रम खत्म हो जाएगा। यानी कि हार्ट जब तक काम कर रहा है हम तब तक काम कर रहे हैं, हार्ट जिस दिन रुक गया उस दिन हम भी रुक जाएंगे। तो हार्ट एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो बिना रुके बिना थके बिना कुछ किए रेस्ट किए लाइफ टाइम आपका काम करता है। जब आप पैदा होते हैं और जब तक आप जीवित रहते हैं हार्ट का फंक्शन लगातार बना रहता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ काम करता है। जैसे आप बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं तो हार्ट भी बहुत तेजी से काम करता है। आप नॉर्मल चल रहे हैं तो हार्ट की थोड़ी पंपिंग ठीक होगी, आप लेटे हुए हैं तो हार्ट भी थोड़ा रेस्ट करता है लेकिन काम करता रहता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जितनी तेज आप दौड़ते हैं, जितना तेज आप काम करते हैं, आप अगर थक जाते हैं, आप वो डिप्रेशन, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। यानी कि आपके साथ आपके हर मूवमेंट में हार्ट इन्वॉल्व होता है। आप डिप्रेशन में होते हैं तो हार्ट भी डिप्रेशन में चला जाता है, हार्ट आप खुश होते हैं तो हार्ट भी खुश होता है ना। अगर आप दुखी हैं तो हार्ट भी दुखी होता है। तो एकमात्र ऐसा ऑर्गन जो आपकी फीलिंग्स के साथ जुड़ा होता है, इसीलिए हार्ट को सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं। हम आजकल 14 फरवरी आने वाली है, आप एक दूसरे को सिंबल ऑफ लव देंगे, आप अपने हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को। तो ये हार्ट इसीलिए क्योंकि ये क्या है, कंटिन्यूसली आप पे ये काम करने वाला ऑर्गन है, बिल्कुल बिना स्वार्थ के करता है। इसका क्या स्वार्थ है आपके लिए काम करने का, तो बिना स्वार्थ के अनकंडीशनल आपके लिए 24 घंटे आपके साथ कदम मिलाकर चलने का वाला ऑर्गन है। इसलिए इसी कारण इसको हम सिंबल ऑफ लव भी कहते हैं। इतनी हमें ये समझना कि ये करता कैसे काम है, क्या करेगा, कैसे इसके अंदर ब्लड आएगा, कहाँ से आएगा और ये कहाँ सर्कुलेट करता है। हार्ट तो बीच में पूरे शरीर का एक बीच में बीच वाला हिस्सा है, यानी कि आपके चेस्ट के पीछे है। ये पूरी बॉडी के लिए कैसे काम करेगा इसको ही हमें समझना है। मैं यहाँ पर इस डायग्राम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग जहां जहां मेरा पेन घूमे, पेन हो वहां उसको समझना, नहीं तो आपको ये कहोगे ये पहले से ही ऑलरेडी कुछ इसमें बने हुए हैं तो आपको नहीं समझ आएगा। आपके पास जो नोट्स होंगे उसमें क्लियर कट आपको समझ जाएगा। जैसे हार्ट को मैंने देख, ये जो हार्ट की जो शेप है ये ध्यान करना, ये हार्ट की शेप हमारे हार्ट की शेप नहीं होती। हमारा हार्ट अगर आप कभी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ हमारा हार्ट कैसा होगा, कैसा होता है। हमारा हार्ट ऐसा होगा, ये हमारा हार्ट है, आप देख पा रहे हैं ये हार्ट, और जो हार्ट हम एक दूसरे को दे देते हैं, एक दूसरे को देते हैं, जो हार्ट हम एक दूसरे को देते हैं वो हार्ट और इस हार्ट में जमीन आसमान का फर्क है। देख पा रहे हैं आप सबको दिख रहा है? Yes, sir. है ना? देखिए ऐसा थोड़ी देते हैं हम, ऐसा गुब्बारा थोड़ी फैलाते हैं। ये आप देख रहे हैं ये हार्ट है। हार्ट को समझा देता हूँ इसके फंक्शन को। ये आप जो नीला नीला सा दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं इनप्योर ब्लड की सप्लाई।
आप दोनों ही देख रहे हैं यहाँ पर, नीली भी है और लाल भी है ना। और ये आप देख रहे हैं इसको हम अरोटा बोलते हैं, ये बड़ा सा जो पाइप है जो लाल वाला कलर का है इसको हम अरोटा बोलते हैं। ये नीले वाली जो है एक सुपीरियर वेना कावा है, एक इन्फीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा मतलब क्या है कि हार्ट तो हमारा चेस्ट के पास है, हार्ट हमारा कहाँ है, चेस्ट के पास होता है, लेकिन इसको इनप्योर ब्लड ऊपर से भी आता है और इनप्योर ब्लड नीचे से भी आता है। तो दो रास्ते हैं जो इनप्योर ब्लड के, ये इन सुपीरियर वेना कावा है या इन्फीरियर वेना कावा है। ये प्योर ब्लड का सप्लाई है, यानी पूरी बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई इससे होती है, इसको अरोटा बोलते हैं। ठीक है, और ये छोटी छोटी नीली पीली जो रेखाएं हैं, नीली वाली इनप्योर ब्लड की है, लाल वाली हमारी प्योर ब्लड की है। इसको थोड़ा सा मैं खोलने की कोशिश करता हूँ, अगर खुल जाता तो, हार्ट को वैसे खोलना नहीं चाहिए। ये हार्ट हमारा खुल गया है ना, और ऊपर का भी हिस्सा थोड़ा सा खोल देता हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे होंगे हार्ट को। और देखिए एक नीला होल है, एक लाल होल है। जो नीला होल है इसको यहां से इनप्योर ब्लड जाता है, मतलब यहाँ एक तरफ तो यहां से आएगा, ये प्योर होने के लिए ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स प्योर कर इसको इस रास्ते से भेज देगा। ठीक है, ये देखिए अंदर देखेंगे इसके चैम्बर्स हैं, हार्ट के चैम्बर्स हैं, हार्ट के चैम्बर्स हैं। दो चैम्बर यहाँ पर है नीचे और दो चैम्बर ऊपर है। आप देखेंगे ये चैम्बर्स, ये दो चैम्बर्स ये दिख रहे हैं आपको, चैम्बर्स गड्ढे से नजर आ रहे हैं जहां मैंने हाथ डाल दिया, देखिए है ना। तो ये दो चैम्बर नीचे हैं, दो चैम्बर ऊपर हैं ये। और आप ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे से ये लगे हुए हैं, ये पार्ट जो लगा हुआ है इसे चिपका हुआ है, इनको वाल्व कहते हैं। इनको मैं डिटेल से और समझाऊंगा आपको। तो एक्चुअल में तो हार्ट हमारा ऐसा दिखता है। अब ऐसा हार्ट कभी आपने दिया किसी को, ये तो लड्डू जैसा लग रहा है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा हार्ट दे दिया किसी को तो फिर कोई गुस्सा ही हो जाएगा, पता नहीं किसका हार्ट दे दिया है ना। एक्चुअल में हमारा हार्ट ऐसा ही होता है, लेकिन हम हार्ट कैसा देते हैं और देखते कैसे हैं, ऐसा हार्ट, यानी कि जो हम गुब्बारे के रूप में, बैलून के रूप में देखते हैं, ये हार्ट हमारा ऐसा होता है। ये हार्ट एक्चुअली क्या है, किसका है आपको बताता हूँ। ये मेढक का हार्ट है, मेढक, मेढक का हार्ट का मतलब ये वो हार्ट है जो मेढक के अंदर होता है, और हम मेढक के हार्ट को ही एक दूसरे को देते हैं, हम अपना दिल नहीं देते। इसलिए आजकल दिल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि अगर हम अपना दिल दें तो वो टूटेगा नहीं, लेकिन हम मेढक का दिल एक दूसरे को देते रहते हैं, इसलिए बहुत जल्दी हार्ट भी हमारा दिल टूट भी जाता है, ब्रोकन हार्ट हो जाता है। वॉल्व सर, जैसे आपने बताया 4 चैम्बर्स होते हैं, वॉल्व्स कितने होते हैं सर? आपके चार होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें सारा, है ना। चार वॉल्व होते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं, उनका क्या यूज होगा ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो हमारा हार्ट ये जो है ये मेढक का हार्ट है। आपने कभी सुना होगा पहले, पहले के समय पे, आजकल तो थोड़ा कम एक्सपेरिमेंट होता है अलग अलग, कि पहले 12th में जिसके पास साइंस होती थी उनको मौका मिलता था कि मेढक को चीर मेंढक के का दिखा ऐसा देते, था। है ना, मेढक को चीर कर दिखा देते। और एमबीबीएस डॉक्टर्स की पढ़ाई में तो आपको एक मेढक दिया जाता था जीवित, और उसमें पर एक एक्सपेरिमेंट होता था कि आपको इस इसको एनेस्थेसिया देना है पहले, तो यानी कि उसको बेहोश करना है, बेहोश कर उसको, उसके पेट को चीरना है, उसके हार्ट को खोलना है और दोबारा से बंद कर कर सिल देना है, और एनेस्थेसिया जैसे ही खत्म होगा उसका, और वो बेहोश होकर जिंदा हो जाना चाहिए। अगर आपका हार्ट, मतलब आपका जो मेढक है वो जिंदा हो गया, इसका मतलब आप अब ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका मेढक मर गया आपके ऑपरेशन के दौरान, उस तो उसका मतलब अभी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम डायरेक्ट इंसान के ऊपर तो कर नहीं सकते, नहीं तो इंसान का तो खोल के रख दिया तो फिर तो वापस जुड़ेगा ही नहीं, तो हो जाएगा क्रियाकर्म, है ना। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर हार्ट जो है, हमारा जो हार्ट है वो सेम मेढक के हार्ट की तरह होता है। हमारे जो हार्ट के फंक्शन है सेम मेढक के हार्ट के जैसे होते हैं, उसमें भी चार चैम्बर्स होते हैं, हमारे भी चार चैम्बर्स होते हैं। उसका ऐसा दिखता है, इसके फंक्शन हम जो देखते हैं, ये किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ये उसी के, ये मेढक का हार्ट है। हमारा हार्ट मैंने आपको दिखाया कैसा है, उसको तो मैं यहाँ बना भी नहीं सकता, क्योंकि वो 3D शेप में होता है। 3D में मतलब उभरा हुआ होता है, जिसको एक 2D इमेज में, 2D इमेज में बनाना मुश्किल है। ठीक है, समझते हैं। हार्ट हमारा क्या है, एक गोल आकार का इस तरीके से है,
ये पूरा का पूरा एक एक चैम्बर मान लीजिए, पूरा का पूरा एक हॉल मान लीजिए, इसको तीन दीवारें बनाती हैं। इसको जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रहा हूँ वैसे ही समझने की कोशिश करना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। इस हॉल को, इस पूरे हॉल को, ये पूरा एक हॉल मान लीजिए, इस हॉल को तीन दीवारें बनाती हैं। इन दीवारों के नाम है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम यानी कि सबसे बाहर की लेयर, जो हार्ट की सबसे बाहर की लेयर होती है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं। बीच वाली लेयर को मायोकार्डियम बोलते हैं, सबसे अंदर की लेयर को एंडोकार्डियम बोलते हैं। तो तीन लेयर हो गई, तीन लेयर इसकी इस हार्ट को बनाती हैं। अब इसको क्या है कि हार्ट को बीच में से एक रेखा डिवाइड करती है, हार्ट को ऐसे डिवाइड करती है। ये आप देख रहे हैं लाल सी एक रेखा खींची हुई है बीचों बीच, इसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है। ये हमारा राइट हिस्सा हो गया, ये हमारा लेफ्ट हिस्सा हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है कौन सी, बीचों बीच वाली रेखा। इस रेखा को हम बोलते हैं सेप्टम। यहाँ आप छोटा सा देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सेप्टम, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है सेप्टम। तो इसको बोलते हैं जो रेखा हार्ट को बीचों बीच डिवाइड करती है, ये कौन सा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। इस रेखा को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल। तो वर्टिकल शेप में जो हार्ट को डिवाइड करती है उसको बोलते हैं सेप्टम। हॉरिजॉन्टल जो रेखा इसको डिवाइड करती है ऐसे कर बीचों बीच, यानी कि अब बीचों बीच हॉरिजॉन्टल जो डिवाइड करी है उसको बोलते हैं ऑरिफिस। ये छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मिट गया है बार बार पढ़ाने से, अगली बार से नया बुक से पढ़ाएंगे। ऑरिफिस यानी कि जो बीच में से डिवाइड करती है इसे बोलते हैं ऑरिफिस। तो अब जो हॉल एक पूरा था ये क्या हुआ, चार चैम्बर्स में डिवाइड हो गया। बीच में से एक डिवाइड करा था जिसको सेप्टम बोलते हैं, लेफ्ट और राइट, एक बीच में से ऐसे डिवाइड किया, इसको ऊपर नीचे हो गया। तो दो चैम्बर्स ऊपर चले गए, दो चैम्बर्स नीचे आ गए, यानी कि एक हमारा ग्राउंड फ्लोर हो गया, एक हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया, ठीक है। अब इनके नाम रखे जाते हैं, इनके नाम होते हैं, जो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर जो है इसको हम आट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आट्रियम, आट्रियम। इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल। जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। जो अपर फ्लोर है वो हमारा क्या हो गया, आट्रियम। अब इसमें से हमने डिवाइड कर दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, राइट आट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट आट्रियम, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से इन चार चैम्बर्स में हमारा हार्ट डिवाइड हो जाता है। अब ये चार कमरे हो गए एक हॉल के, एक बड़ा सा हॉल था उसके बीच में हमने दो रेखाएं खींच दी। अब ये चार चैम्बर्स हो गए, चार चैम्बर हो गए, यानी कि चार कमरे एक हॉल में से बन जाते हैं। यहां तक कहानी समझ आई हो तो अभी क्या था, एक हॉल था और हमने एक दीवार ऐसे बना दी, इस दीवार को ऐसे बना दी। अब ये क्या, वो चार कमरे तो बन गए लेकिन चारों कमरे बंद हो गए। अब इसमें कोई ना जा सकता है ना कोई आ सकता है, अगर आना जाना है तो बीच में कोई दरवाजा देना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति इस कमरे में है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस कमरे में कोई व्यक्ति है और इस कमरे में जाना चाहता है, तो इस कमरे से इस कमरे में जाने के लिए कोई दरवाजा तो होगा, क्योंकि ये तो दीवार खड़ी हो गई थी, तो उस दीवार में तो कोई दरवाजा तो बनाना पड़ेगा। तो इस कमरे से, यानी कि पहले कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए एक दरवाजा आता है, उस दरवाजे का नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व। इस वाल्व का क्या नाम है, वाल्व का मतलब दरवाजा, वाल्व का नाम क्या है, ट्राइकास्पिड वाल्व। इस वाल्व का नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व, यानी कि ट्राइकास्पिड वाल्व को खोलकर ये आदमी इधर जा सकता है, केवल जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको ध्यान होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था कि वाल्व और स्प्लिंटर में क्या फर्क है, वाल्व में ये फर्क है कि जो चीज एक बार निकल गई वो वापस नहीं आ सकती, और स्प्लिंटर में क्या होता है कि कोई चीज निकल गई तो वापस भी आ सकती है। आपको ध्यान होगा कार्डियक स्प्लिंटर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, और वहीं पर मैंने आपको बताया था इलियम सिकल वाल्व। इलियम सिकल वाल्व का मतलब है इलियम यानी कि छोटी आंत, और सिकम मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम और सिकम के बीच में एक वाल्व है, जो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया वो वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पर क्या है, वाल्व है, वहां स्प्लिंटर नहीं है। तो यहाँ क्या है, ये ट्राइकास्पिड वाल्व है। तो ये आदमी निकला था घूमने के लिए, इसे चारों तरफ तो बंद नजर आया, ये क्या करा, एक दरवाजा दिखाई दिया जिस दरवाजे का नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व, और ये इधर इस कमरे में आ जाता है। अब ये देखता है यार ये तो मैं तो वापस ही नहीं जा सकता, अब ये इसमें बंद हो जाता है ना। अब ये देखता है कि अगर मुझे बाहर निकलना है तो एक दरवाजा यहाँ और लगा हुआ है, ये एक दरवाजा बना हुआ है, तो एक दरवाजा आने का है, एक दरवाजा जाने का है। ये दूसरा जो दरवाजा है, इस दरवाजे का नाम है पल्मोनरी वाल्व। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पर आप छोटे से देखेंगे, आप लोगों के बुक्स में सबके पास लिखा हुआ होगा
पल्मोनरी वाल्व, इस दरवाजे का क्या नाम है? पल्मोनरी वाल्व। अब ये दरवाजा जाता कहाँ है? इसको बोलते हैं स्वर्ग का दरवाजा। कहता है ये स्वर्ग का दरवाजा, यानी कि इस दरवाजे से जैसे ही निकलेंगे तो हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, इसलिए उसको स्वर्ग का दरवाजा रख दिया। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स से रिलेटेड है, यानी कि लंग्स को मेडिकल लाइन में पल्मोनरी बोलते हैं। आपने कभी हॉस्पिटल गए हो तो उसमें लिखा होता पल्मोनरी यूनिट, यानी कि लंग्स की बीमारियों वाली यूनिट है ये। तो ये पल्मोनरी वाल्व है, तो ये आदमी कहाँ पहुंचेगा? लंग्स के पास पहुंच जाएगा। यहां से ये आदमी चलेगा और लंग्स के पास पहुंच जाएगा। तो लंग्स दो है, इसलिए एक रास्ता दो रास्ते, ये दो रास्ते यहां से डिवाइड हो गए तो लंग्स के पास ये पहुंच जाता है। इतनी कहानी समझ आई आप लोगों को? इसमें कोई समस्या है? ये लंग्स के पास जाता है और लंग्स देखता है कि भाई हमारे पास आया है, वो कहता है ठीक है कुछ एक दो तो दिन बिता लो फिर वापस चले जाना, भाई तुम हम आपको ज्यादा दिन तो रख नहीं सकते। तो हार्ट के पास से हार्ट क्या, लंग्स क्या करता है, इसको दोबारा हार्ट में भेज देता है। क्यों, कहां से आया था ये आदमी? हार्ट से आया था। तो लंग्स इसको दोबारा से हार्ट में भेज देता है, लेकिन भेजता है इस रास्ते से। ये दो रास्ते जो बने हुए हैं लाल लाल कलर के दिख रहे हैं आपको, तो ये दो रास्ते हैं, दो लंग्स के रास्ते हैं। ये वैसे समझाने वाला डायग्राम है, एक्चुअल में डायग्राम ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको समझाया कि ये समझाने के उद्देश्य से बनाया गया डायग्राम है, ताकि आपको सारी चीजें समझ आए कि कौन सी क्या चीज होती है। एक्चुअल में लंग्स हार्ट हमारा होता ही नहीं है ऐसा। तो दो दरवाजे हैं, ये राइट साइड से इम्प्योर ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और राइट साइड से वो प्योरीफाई होके आ रहा है लेफ्ट साइड से। ये तो अभी प्योर और इम्प्योर की तो कहानी मैं बताऊंगा, अभी तो आदमी को ही घूमने दो, है ना। तो आदमी कहां से पहुंचा? लंग्स से वापस कहां जाता है? हार्ट में आ जाता है, क्योंकि अभी लंग्स के पास गया था, लंग्स को घूम घाम कर वो वापस आ जाते हैं। तो ये लंग्स के लिए दो रास्ते बनाए हैं, क्योंकि दो लंग्स हैं तो दोनों से घूम कर आया होगा। तो इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी, अगर है ना, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको। पल्मोनरी आर्टरी से हमारा आदमी कहां घूम कर चला जाता है? इनका दरवाजे का क्या नाम है? घुसने का, जो घुसने का दरवाजा, इनको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट और राइट लंग्स है तो राइट और लेफ्ट लिख देते हैं और आदमी यहाँ पहुंच जाता है। कौन से दरवाजे में पहुंच गया? अब ये चैम्बर में, तीसरे चैम्बर में पहुंच गया, तीसरे चैम्बर चला गया। अब ये कहता है यार फिर फंस गया मैं तो इसमें चैम्बर में। तो वो सोचता है अब नीचे वाले चैम्बर में भी तो चला जाके देखता हूँ क्या है। तो जो तीसरे चैम्बर से ये आदमी जाता है चौथे चैम्बर में, इस दरवाजे को खोल, तो एक चैम्बर है, एक दरवाजा है, यहाँ पर भी एक दरवाजा आता है जो तीसरे और चौथे को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये वाल्व आता है, इस वाल्व का नाम है बाइकास्पिड वाल्व। आपने यहाँ पढ़ा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, आप सबके पास लिखा होगा, नहीं तो आप लिख देना बाइकास्पिड वाल्व। इसको बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व को क्रॉस कर आदमी चौथे चैम्बर में पहुंच जाता है। अब चौथे चैम्बर से वो दो चार दिन तो रह सकता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अब ये वाल्व है तो इससे वापस नहीं जा सकता, अब वो दूसरा दरवाजा ढूंढता है। तो ये एक और दरवाजा इसे मिलता है और इसका नाम है अरोटा। अरोटा, अरोटा वाल्व है, यानी कि एक और दरवाजा इसे मिले। अरोटिक वाल्व बोलते हैं इसे, एरोटिक वाल्व बोलते हैं, है ना, अरोटा से अरोटिक वाल्व है। और ये वाल्व है दुनिया का लिए, यानी कि पूरे संसार के लिए, यानी कि अब ये पूरी दुनिया को पार कर घूमने जाने वाला है। तो ये अरोटा के द्वारा ये पूरा का पूरा यहां से निकलेगा और पूरे पूरे शरीर में घूम लेगा। पूरे शरीर में घूमने के लिए यहां से निकल जाएगा, पूरे शरीर में घूमने के लिए ये यहां से निकल जाएगा, पूरे शरीर में घूमेगा, घूमने के बाद वापस आएगा हार्ट के अंदर इस दरवाजे से, वापस आएगा हार्ट के इस दरवाजे से आएगा। इनको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। ऊपर से आता है तो ऊपर के रास्ते से आएगा, तो ऊपर के रास्ते का नाम है सुपीरियर वेना कावा, और नीचे से आएगा तो इंफीरियर वेना कावा। ये फिर इसमें आएगा, फिर इस चैम्बर से इस चैम्बर में जाएगा, इस चैम्बर से लंग्स में जाएगा, लंग्स से होकर ये इस तीसरे चैम्बर में आ जाएगा, तीसरे से चौथे में जाएगा, चौथे से ये पूरे शरीर में चला जाएगा। पूरे शरीर में जाने के बाद फिर ये वापस हार्ट में आएगा। तो ये आदमी ऐसे ही घूमता रहेगा। और ये आदमी कौन है? ये हमारा ब्लड है, ये ब्लड का सर्कुलेशन है। ब्लड का सर्कुलेशन पहले चैम्बर में आता है, फिर दूसरे चैम्बर में जाता है, दूसरे चैम्बर से लंग्स में जाता है, लंग्स इसको वापस तीसरे चैम्बर में भेज देता है, तीसरे चैम्बर से चौथे चैम्बर में जाता है, चौथे चैम्बर से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। और इस तरीके से सर्कुलेशन पूरी बॉडी में घूमता रहता है। प्योर और इनप्योर के बारे में मैं नेक्स्ट बताऊंगा। यहाँ हमारा हार्ट एक हॉल मान लीजिए, पूरा का पूरा एक हॉल है। अभी तक हमने इसको कोई चैम्बर्स में डिवाइड नहीं किया। एक हम बड़ा सा प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट की क्या करते हैं, बाउंड्री कर देते हैं। बाउंड्री करने के बाद में फिर हम डिसाइड करते हैं कौन सा क्या चीज बनेगी। तो ये प्लॉट लिया हमने, पूरा का पूरा एक प्लॉट लिया, है ना। इस प्लॉट के लेने के बाद
हमने क्या करा, इसको बीचों बीच डिवाइड किया। जैसे अब मैं इसमें बताता हूँ, एक्चुअली ऑनलाइन में कम दिखता है, ये एक प्लॉट लिया, ठीक है, एक प्लॉट ले लिया, ये हमारा, इसमें हमने तीन लेयर बना दी इसकी, मजबूत प्लॉट बनाया ना कि कहीं कोई आदमी ना घुस जाए, कोई बुलडोजर ना घुस जाए, तो उसकी तीन लेयर बना दी, तीन लेयर से इस प्लॉट को कवर कर दिया। तो पहली लेयर हमारी जो बाहर की लेयर है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्डियम, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, कार्डियक वर्ड जो है वो हार्ट से लिया गया है, तो पेरिकार्डियम इसका नाम हो गया पेरिकार्डियम। बीच की लेयर के क्या हो गया, मायोकार्डियम, मिडल होगी ना, एम से मतलब मिडल, और अंदर की लेयर को हो गया एंडोकार्डियम, एंडो मतलब अंदर हो गया, तो पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, तो तीन लेयर से हमारा यार ये हमने प्लॉट को बना दिया। अब पहले हमने क्या करा, इसके एक बीचों बीच एक रेखा खींच दी, इस प्लॉट को राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, राइट एंड लेफ्ट हो गया ये। तो ये जो रेखा है, इस दीवार का नाम क्या है, सेप्टम है, इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम, ठीक है। सेप्टम क्या करती है, पूरे हार्ट को, पूरे प्लॉट को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल रेखा के द्वारा, इसको सीधी रेखा के द्वारा दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अभी प्लॉट क्या है, हमारे दो हिस्से बन गए। अब क्या है, एक बीच में से रेखा खींचते हैं हम, इसको बोलते हैं ऑरिफिस, ये क्या था, सेप्टम, ये क्या था, ऑरिफिस, इनके नाम रख दिए इन दीवारों के, ये सेप्टम था, ये ऑरिफिस था। अब हम देख रहे हैं यार, प्लॉट हमने एक लिया था, अब कितने हो गए इसके कमरे, हिस्से चार हो गए, ये एक कमरा हो गया, ये दूसरा कमरा हो गया, ये तीसरा कमरा हो गया, ये चौथा कमरा हो गया, ऐसे इसके चार कमरे हो गए। अब कोई व्यक्ति इसके अंदर घुसे डाल दिया जाए, यानी कि एक रास्ता इसका, ये रास्ता होता है इसके अंदर घुसने का, एक रास्ता तो बनाएंगे इसके अंदर प्लॉट में घुसने का, तो ये रास्ता यहां से बनाया, ये दो रास्ते थे, यानी कि एक ऊपर से आएगा व्यक्ति तो भी इससे चला जाए, एक नीचे से कोई व्यक्ति आएगा तो यहां से अंदर चला जाए, तो नीचे से कोई व्यक्ति जाएगा तो ऐसे चला जाएगा, ऊपर से आएगा तो ऐसे चला जाएगा। तो इन दोनों रास्तों के नाम रखे हमने, इसको बोला हमने इनफीरियर वेना कावा, इसका नाम रखा हमने सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इनफीरियर आप लोगों को समझ आता होगा, कहते हैं ना इनफीरियर है ये थोड़ा सा हमारे से नीचे है, तो उसको बोलते हैं इनफीरियर, बोलते हैं सुपीरियर है, अपने आप से बड़ा व्यक्ति है हमारे से, तो ये ऊपर का रास्ता, इसको बोलता ऊपर के रास्ते को हमने बोला सुपीरियर वेना कावा और नीचे रास्ते को बोला इनफीरियर वेना कावा। तो दो रास्ते थे जो इस पहले वाले कमरे में जाते हैं। अब आदमी इसमें चला गया, अब आदमी आ तो गया इसमें, लेकिन अब वो जाए कहाँ से, अब वो कहाँ घूमे, क्योंकि ये तो दरवाजे सब बंद हुए, ये तो दीवारें खड़ी हुई है, तो इसमें एक वाल्व बना देते हैं, ऐसे कर कर, ऐसे करके एक वाल्व बना देते हैं, इससे आदमी इसमें जा सकता है, पहले चैम्बर से दूसरे चैम्बर में चला जाता है, ये वाल्व है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या होती है वाल्व की, कि जो एक बार पार हो गया वो चीज वापस नहीं आ सकती, मतलब एक बार आप निकल गए इस चैम्बर से तो वापस नहीं आएंगे, ये वाल्व का नेचर होता है। तो आदमी इस वाल्व को क्रॉस करके दूसरे चैम्बर में पहुंच जाता है, और इस वाल्व का नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या नाम है साइंटिफिक, 10 बार पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये इसका नाम है ट्राइकास्पिड वाल्व। अब ये इस चैम्बर से दूसरे चैम्बर में व्यक्ति पहुंच गया, फिर ये देखता है यार चारों तरफ बंद है, फिर ये 2-3 दिन के बाद फिर कहता है यार मुझे बाहर निकलना चाहिए, अब बाहर यहां से तो निकल नहीं सकता क्योंकि ये वाल्व है। अब इसके लिए एक और दरवाजा भगवान ने बनाकर देते हैं, ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वर्ड क्या है, लंग्स के लिए यूज होता है, तो यहां से अगर व्यक्ति निकला बाहर तो ये कहां पहुंच जाएगा, लंग्स के पास पहुंच जाएगा, और ये लंग्स के पास पहुंच जाता है इस रास्ते से, इस रास्ते को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। अब लंग्स के पास पहुंच गया, दो लंग्स है ऐसे करके डिवाइड हो गया हमारा, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, ठीक है। अब लंग्स के पास गया व्यक्ति घूमने के लिए, लंग्स ने 2-3 दिन अपने पास रख लिया, किसी ने भी कोई भी रख लेता है, फिर कहते हैं भाई तुम जहां से आए थे वहां चले जाओ, बाकी के सभी लोग म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी वीडियो। तो अब लंग्स के पास चला गया, लंग्स ने क्या करा, इसको वापस भेजा हार्ट के पास। तो लंग्स दो है तो दो रास्ते से आएगा, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, तो इनको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसी को समझना, बाद में बताऊंगा इसको और डिटेल से क्या है। ये हो गए हमारे पल्मोनरी रास्ते से, यानी पल्मोनरी यानी लंग से आने वाले रास्ते, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ये आदमी कहाँ पहुंच गया घूम घाम के, हो सकता है लेफ्ट से भी आ जाए राइट से भी आ जाए, तो दो रास्ते बनाए हुए, लेफ्ट से आता तो लेफ्ट से आ जाए, राइट से आना चाहे तो राइट से आ जाए। तो ये आदमी पहुंच गया तीसरे चैम्बर में, ठीक है। अब तीसरे चैम्बर तो बंद है सारा, तो अब ये आदमी क्या करता है, नीचे की तरफ जाता है चौथे चैम्बर में, इस दरवाजे को क्रॉस करके, इसको बोलते हैं वाल्व।
मैंने कहा ना कि जब वाल्व क्या है, एक बार जो चीज निकल गई वो वापस नहीं आ सकती, तो इस वाल्व का नाम है बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड, बाइकास्पिड वाल्व को क्रॉस करके आदमी इस चौथे चैम्बर में पहुंच जाता है। अब ये कुछ दिन तक तो यहाँ रहेगा, फिर उसके बाद फिर मन करेगा यार फिर बाहर जाऊं, तो लेकिन ये यहां से तो जा नहीं सकता, ये जाएगा। एक और इसमें दरवाजा बना हुआ है, इसका नाम है अरोटिक वाल्व। अरोटिक वाल्व, अरोटा क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अरोटिक वाल्व। और ये अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी में घूम घामने के लिए चला जाता है, पूरी बॉडी में ये घूमता है आदमी, ये पूरी बॉडी में घूमता है, घूम घाम के घूम घाम के घूम घाम के घूम घाम के, फिर वापस इसको यहां से दोबारा से हार्ट में भेज दिया जाता है। जब ये हार्ट में जाता है, फिर पहले चैम्बर से ये फिर दूसरे चैम्बर में जाता है, दूसरे चैम्बर से फिर ये लंग्स में जाता है, लंग्स से तीसरे चैम्बर में भेजता है, लंग्स फिर तीसरे से चौथे में जाता है, चौथे से ये पूरी बॉडी में घूमता है। तो इस तरीके से कहानी इस आदमी की चलती रहती है कि पहले चैम्बर, दूसरा चैम्बर, लंग्स, लंग्स से फिर तीसरा चैम्बर, तीसरे चैम्बर से चौथा चैम्बर, चौथे चैम्बर से पूरी बॉडी। और ये आदमी कौन है, हमारा ब्लड है। ये ब्लड पहले चैम्बर में आता है, फिर दूसरे चैम्बर में जाता है, फिर लंग, इस तरीके से आदमी घूमता रहता है। अब प्योर प्योर और इनप्योर की बात हम नेक्स्ट करेंगे, इतनी कहानी समझ आई। अब ये चैम्बर्स के नाम हैं, ये हो गया बीच की रेखा हो गई, इसे हम ऑरिफिस बोलते हैं, ये रेखा सेप्टम बोलते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ये फर्स्ट फ्लोर है, इसको हम बोलते हैं आट्रियम, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, तो इसको बोलेंगे, ये दोनों ही क्या है, वेंट्रिकल है, ये दोनों ही क्या है, आट्रियम है, लेकिन फर्क इतना है, ये राइट आट्रियम, ये लेफ्ट आट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से चार चार चैम्बर, चार दरवाजे, चार कमरों के नाम हम रख देते हैं, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, ये राइट आट्रियम, ये लेफ्ट आट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और हमारा खून चारों चैम्बर में घूमता है इसी तरीके से। यहां तो कोई समस्या, ये जो हमारा पहला चैम्बर है ना, पहला चैम्बर है, यहां पर पूरी बॉडी से इनप्योर, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके इनप्योर ब्लड आता है, हमारी पूरी बॉडी से थोड़ा थोड़ा कर इनप्योर ब्लड। इनप्योर का मैं जब बोलता हूं तो गंदा खून मान सकते हो, डीऑक्सीजनेटेड मान सकते हो, नीला खून मान सकते हो, अपने हिसाब से जैसा मर्जी आपको याद करना हो, है ना। तो गंदा खून पूरी बॉडी से थोड़ा थोड़ा कर आता है। अब ये हार्ट तो हमारा क्या है, बीचों बीच है, छाती में है, तो छाती से ऊपर से भी गंदा खून आएगा, छाती से नीचे से भी आएगा, तो इसलिए दो रास्ते बनाए इन्होंने, हार्ट से ऊपर का जो इनप्योर ब्लड है वो इस रास्ते से आएगा, हार्ट से नीचे का जितना भी इनप्योर ब्लड है वो इस रास्ते से आएगा। तो इसको ऊपर वाले रास्ते को बोला सुपीरियर वेना कावा। देखिए दो चीज समझना, वेन और आर्टरी क्या होती है, सुना होगा ना यार, ये इंजेक्शन वेन में लगा है, ये इंजेक्शन आर्टरी में लगता है, आपने कभी सुना होगा, वेन और आर्टरी, धमनी और सिराए। वेन में सर शायद इंप्योर रहता है, आर्टरी में प्योर। हाँ हाँ बहुत अच्छे, वेन और आर्टरी ये दो वर्ड्स हैं। वेन, वेन का मतलब आप ये समझ लेना याद करने के लिए, वेन मतलब विकार, आर्टरी मतलब अच्छा, बी से बना है ना, तो वेन का मतलब विकार, आर्टरी मतलब अच्छे से बना है, आ ए से बना है अच्छा, ए से ही बना है आर्टरी, बी से बना है विकार और वे से ही बना है वेन। तो वेन और आर्टरी, तो वेन में बेकार खून यानी कि इनप्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, आर्टरी मतलब अच्छा खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी। समझ आ गया, वेन और आर्टरी समझ आ गया आपको, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। मैंने बोला था आप लोगों को ध्यान होगा कि हमारा खाना कौन एब्जॉर्ब करता है, ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब करती है, तो ब्लड वेसल्स इन दोनों को मिलाकर कहते हैं, रक्त धमनी और सिराओं को मिलाकर हम बोलते हैं धमनी और सिराएं, हिंदी में बोलते हैं धमनी और सिराएं, है ना, तो धमनी और सिराएं, इंग्लिश में बोलते हैं वेन और आर्टरी, दोनों को मिलाकर बोलते हैं धमनी। क्या चीज है धमनी, ये हो गया ना आर्टरी। अच्छा अच्छा अच्छा, और वेन शिरा, सिराएं। ठीक है सर, जो खाना आपने बताया था ब्लड वेसल और लिम्फ, मतलब दोनों में ही जाता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारा ब्लड मतलब दोनों को मिलाकर काम करता है वो, है ना, तो अभी दोनों को मिलाकर हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, रक्त वाहिनियां आपने सुना होगा ना, रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी का मतलब जिनमें रक्त बह रहा हो, तो रक्त तो इसमें भी बह रहा है, रक्त तो इसमें भी बह रहा है,
सर फर्क इतना है कि ये थोड़ा गंदा खून है, ये साफ खून है, रक्त वाहिनी है ना, रक्त वाहिनी दोनों को मिलाकर बोल देते हैं, हिंदी भी इतनी है सर। एक टर्म, हाँ जी बोलिए सर, एक टर्म वेन्यूल और आर्टेरियल भी तो होती है, वो क्या होती है? वो बात की कहानी है, बताऊंगा इनको बारे में भी, पहले अभी ये समझ आ जाएगा, इन्हीं से वो वेन्यूल्स बनते हैं, आर्टेरियल्स बनते हैं, है ना, आर्टरी और वेन समझ आ गया? यस सर, यस सर, बहुत अच्छे। अब ये, अब जब इन्होंने पूछा है तो इनको भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये हो गई हमारी आर्टरी, जो एक बड़ा सा पाइप है ना, जैसे दिल्ली सरकार आपके घरों में पानी भेजती है तो कैसे भेजती है, दिल्ली सरकार कैसे भेजती है पानी, पहले यमुना नदी के ऊपर आपने बड़ा बड़ा पुल देखा होगा, आईटीओ से आप गुजरते हैं, यमुना पुल से गुजरते हैं, तो बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप हैं उधर, तो वहां से क्या है कि साफ खून, साफ ब्लड, साफ पानी क्या है, बड़े बड़े पाइपों में आता है। तो इसको हम अगर हम इस लैंग्वेज में समझें तो ये हमारा अरोटा है, अरोटा ये साफ खून लेके जाएगा, जिसको अभी मैंने बोला था ना अरोटा, ये है साफ खून वाला बड़ा सा पाइप, ठीक है, ये है अरोटा, ये हो गया हमारा अरोटा, जो बड़ा वाला जो दिल्ली सरकार ने हमारे लिए तैयार किया। अब ये क्या कहें, बड़े बड़े पाइप क्या करते हैं, छोटी छोटी गलियों में जाते हैं, तो ये आगे जाके पाइप क्या हो जाएंगे, ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना, ये विवेक बिहार चला गया, ये हमारे सादरा चला गया, ये एक और परपड़गंज चला गया, ऐसे चला गया, तो इसको बोलते हैं हम, ये अरोटा है, क्या है ये अरोटा, ये हमारे क्या है आर्टरी, ठीक है, तो छोटी छोटी पाइप हो गई उसको बोलते हैं आर्टरी। अब ये परपड़गंज वाली जो लाइन थी, अब ये कॉलोनियों में जाती है, अलग अलग फ्लैटों में जाती है, अलग अलग अपार्टमेंट में जाती है छोटी छोटे, और ये डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे, ऐसे डिवाइड हो जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं आर्टरियोल्स, क्या बोलते हैं इसको, और छोटी होगी इसका रास्ता, पतला हो गया पाइप, तो इसको बोलते हैं आर्टरियोल्स। अब ये छोटा वाला पाइप क्या है, हर घर में जाती है, फ्लैट नंबर 240, फ्लैट नंबर 320, यहां पर भी आते हैं, ये यहां तक भी आते हैं, आपके पास एक मोटर होती है, उस मोटर के द्वारा इसको हम क्या करते हैं, टंकियों में भेज देते हैं और छोटा पाइप कर देते हैं इसको, है ना, ये होते हैं, ये यहां तक आर्टरी, आर्टरियोल्स, और ये बन जाती है कैपिलरी, कैपिलरी, कैपिलरीज क्या है, हर घर तक पानी पहुंचाने का रास्ता, यानी कि हर सेल तक ब्लड को पहुंचाने का रास्ता, उसको बोलते हैं कैपिलरी, क्या बोलते हैं उसको, कैपिलरी, हर घर तक जो पानी पहुंच रहा है जिस पाइप से, उसको बोलते हैं कैपिलरी, यानी कि हर सेल तक पानी पहुंच रहा है, हर घर को पानी की आवश्यकता है, ऐसे ही हर सेल को ब्लड की आवश्यकता है, तो हर सेल को जो ब्लड पहुंच रहा है वो कैपिलरीज के थ्रू पहुंचता है। अब हम उस पानी का क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, किचन में यूज कर लेते हैं, वॉशरूम में यूज कर लेते हैं, नहाने धोने कपड़े धोने में यूज कर लेते हैं, उसको गंदा कर देते हैं, गंदा कर देते हैं ना, अब उस गंदे को क्या करते हैं, वो एक छोटे से पाइप में आता है, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरी, इसको भी बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी दोनों होती है, कैपिलरी का मतलब छोटा सा पाइप जो आपके घर तक जा रहा है, तो घर तक जो साफ पानी वाला पानी होगा वो भी कैपिलरी है, और जो गंदा वाला पानी होगा वो भी कैपिलरी है, ये कैपिलरी आगे जाकर आपके, आपने जो गंदा पानी यूज बना दिया उसको, वो नाली में चला जाता है, नाली क्या होती है, आपके आपके इलाके की बड़े नाले के साथ मिल जाती है, बड़ा नाला ऐसे आकर, यानी कि ये छोटा नाला क्या था, बड़े नाले में मिल गया, इस बड़े नाले को बोलते हैं वेन्यूल्स, मतलब अभी मोहल्ले वाले का, इसको बोलते हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल्स। अब ये वेन्यूल्स आगे जाकर आपके जो कॉलोनी का पाइप होता है वो आगे जाकर बड़े बड़े रोड के साथ, जो बड़े बड़े हाईवे हैं उनके साथ बड़े नाले में मिल जाता है, तो ये और बड़े नाले में मिल जाता है, इसको बोलते हैं वेन, ठीक है, इसको बोलते हैं वेन। अब ये वेन जो है वो आगे जाकर कहाँ जुड़ जाते हैं, बड़े बड़े और बड़े बड़े नालों में जुड़ जाते हैं, जो नदी के साथ जुड़ जाते हैं, नदी के साथ जोड़े जाते हैं, उनको बोलते हैं वेना कावा, क्या बोला जाता है उनको, वेना कावा। तो वेना कावा वो नाला है जो एंड में जाकर नदी के साथ जुड़ने वाला है, नदी में फिर पानी जाता है, उस पानी को फिर फिल्टर करा जाता है, फिर उस पानी को फिल्टर कर फिर गवर्नमेंट आपके बड़े बड़े पाइपों के द्वारा आपके घरों में भेजती है, उस पानी को आप फिर यूज कर लेते हैं, फिर उसको गंदा कर आप फिर दूसरे रास्ते से भेज देते हैं, और ये चक्र चलता रहता है, बात समझ आई, ये पानी का जैसे चक्र चलता है, हम पानी को यूज कर गंदा करते हैं, गवर्नमेंट उसे साफ कर फिर भेज देती है, फिर हम उसको यूज करते हैं गंदा कर देते हैं, फिर गवर्नमेंट उसे फिर साफ कर नदियों में जाता है, नदियों का पानी साफ करके गवर्नमेंट आपके घर तक भेजती है, और ये चक्र चलता रहता है, ऐसा ही चक्र हमारे हार्ट में भी चलता है, कि यहां से गंदा खून आता है, इन दोनों रास्तों से गंदा खून आएगा, इस जितना खून आएगा इस चैम्बर में उतना आ जाएगा, फिर जैसे ये हार्ट क्या है, सुकड़ता है फैलता है, सुकड़ता है फैलता है, सुकड़ता है फैलता है, जैसे ये सुकड़ेगा
तो इसका ब्लड यहां से सुकड़कर दूसरे चैम्बर, इस चैम्बर को, इस वाल्व को खोलकर, यानी कि ट्राइकास्पिड वाल्व को खोलकर दूसरे चैम्बर में आ जाएगा। ठीक है, जब ये फिर से सुकड़ेगा तो यहां से ये ब्लड हमारी लंग्स के पास चला जाएगा। लंग्स क्या करता है, इस हम जो गंदा खून बोलते हैं केवल इसलिए बोलते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम गंदा खून बोलते हैं। लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर बाहर फेंक देता है और उसके अंदर ऑक्सीजन को मिला देता है, यानी कि जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिलती है उसको साफ खून बोला जाता है। तो ब्लड ने क्या करा, लंग्स ने क्या करा, गंदे खून को साफ खून में बदल दिया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है। लंग्स का काम है, ब्लड में पस वगैरह है ऐसा कुछ है तो वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो लंग्स का काम है केवल एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ऑक्सीजन डाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ऑक्सीजन डाल देना, केवल लंग्स का काम इतना है। तो लंग्स के चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो आदान प्रदान होता है, ये ब्लड कैपिलरीज, जो कैपिलरीज छोटी छोटी थी ना, कैपिलरीज और लंग्स के एल्वोलाई एक पार्ट होता है, लंग्स के एल्वोलाई और ब्लड की कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ब्लड अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे देता है और लंग्स में से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेता है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है ब्लड एंड कैपिलरीज के बीच में, मतलब एल्वोलाई और इसके। तो लंग्स इसको प्योर कर देता है, प्योर करके दोबारा से हार्ट में भेजता है। मैंने अभी बताया था कि हार्ट में आया, दोबारा इसको हार्ट में भेजता है तीसरे चैम्बर में, और तीसरे चैम्बर जैसे ही हार्ट फिर सुकड़ेगा ये चौथे चैम्बर में आ जाता है बाइकास्पिड वाल्व को क्रॉस कर, इस वाल्व को क्रॉस कर ये ब्लड इस चैम्बर में आ जाता है, और फिर ये दोबारा से जब सुकड़ेगा तो इस ब्लड का जो इस चैम्बर में जो ब्लड होगा ये अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई पहुंच जाती है। पूरी बॉडी को धीरे धीरे करके ब्लड मिलता रहता है, प्योर ब्लड की सप्लाई होती रहती है, बॉडी के हर पार्ट, हर सेल उस ब्लड का यूज करती है और उस ब्लड को गंदा कर दोबारा से इस रास्ते में भेज देती है, जिसको सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। ये सर्कल चलता रहता है, पूरी बॉडी में प्योर ब्लड की सप्लाई हार्ट के द्वारा होती है, पूरी बॉडी यानी कि हर सेल उस ब्लड का यूज करती है, उसको गंदा कर देती है और दोबारा से हार्ट में भेज देती है, हार्ट लंग्स में भेजता है, लंग्स उसे प्योर करके हार्ट में भेजता है, हार्ट पूरी बॉडी में भेजता है, पूरी बॉडी हार्ट में भेजती है, हार्ट लंग्स में भेजता है, लंग्स पूरी बॉडी को उसको प्योर करके हार्ट में भेजता है। ये साइकिल चलता रहता है, पूरी बॉडी में टोटल मिलाकर 5 से 5.5 लीटर के ब्लड होता है, जो कि पूरे 1 मिनट में ये कंप्लीट कर देता है, यानी पूरी बॉडी के ब्लड को हार्ट 1 मिनट में प्योर कर देता है। फिर ये साइकिल चलती रहती है और ऐसे कर ये पूरे दिन काम करता है, तो नॉन स्टॉप काम करता है। तो हमारा लंग्स और हार्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रोल अदा करता है। देखो एंडोकार्डियम आपको समझ आ गया होगा, अंदर की लेयर का नाम है एंडोकार्डियम, जो मैंने बताई थी हार्ट को 3 लेयर बनाती है, तो ये अंदर सबसे अंदर की लेयर का नाम है एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम बीच की लेयर का नाम है, पेरिकार्डियम बाहर की लेयर का नाम है, तो 3 लेयर हो गई, तीनों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। सेप्टम जो इसको हार्ट को बीचों बीच डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं सेप्टम। ये ध्यान करना, ये इधर इनप्योर ब्लड है, इन दोनों चैम्बर्स में क्या है, इनप्योर ब्लड है। अभी मैंने आपको बताया कि सुपीरियर वेना कावा और इनफीरियर वेना कावा के थ्रू इधर ब्लड आ रहा है, तो ये दोनों फ्लोरों में क्या है, दोनों कमरों में क्या है, इनप्योर ब्लड है। यहाँ पर क्या है, प्योर ब्लड है। तो इनप्योर और प्योर ब्लड को कौन अलग अलग कर रहा है, ये सेप्टम कर रहा है। ध्यान आया, ऐसे ध्यान आएगा, ये जो है इन दोनों, ये जो ऊपर के चैम्बर्स हैं, ये इधर दोनों चैम्बर्स में क्या है, प्योर ब्लड है, इनप्योर ब्लड है इन दोनों चैम्बर्स में, और इन दोनों चैम्बर्स में क्या है, प्योर ब्लड है ना। मैंने बताया था कि पूरी बॉडी से इनप्योर ब्लड सुपीरियर वेना कावा इनफीरियर वेना कावा के थ्रू इधर आता है, फिर ये यहाँ आता है, यहाँ से लंग्स को चला जाता है, लंग्स प्योर करके इसको तीसरे चैम्बर में और फिर चौथे चैम्बर उसके द्वारा बॉडी को जाता है। यानी कि ये दोनों चैम्बर्स में क्या है, इनप्योर ब्लड है, और इन दोनों चैम्बर्स में क्या है, प्योर ब्लड है। तो इनप्योर और प्योर इन दोनों के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, सेप्टम। तो सेप्टम क्या है, प्योर और इनप्योर के बीच की रेखा है, बीच की दीवार है। तो सेप्टम समझ आ गया, प्योर और इनप्योर के बीच की दीवार है, तो ये मैंने यहां लिखा सेप्टम। ऑरिफिस क्या है, जो हार्ट को इस तरीके से हॉरिजेंटल डिवाइड करती है, ऊपर और नीचे चैम्बर्स को डिवाइड करती है, इस बीच वाली रेखा को हम ऑरिफिस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद
राइट आर्ट्रियम, यानी कि हमारा राइट आर्ट्रियम ये वाला हो गया, पहला वाला चैम्बर राइट आर्ट्रियम हो गया है ना, और लेफ्ट आर्ट्रियम हमारा चौथा चैम्बर और तीसरा चैम्बर हो गया ऊपर वाला, नहीं राइट आर्ट्रियम ये हो गया, मैं इनके नाम बता देता हूँ, ये राइट आर्ट्रियम हो गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, दोनों आर्ट्रियम है, ये राइट है ये लेफ्ट है, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल, चारों चैम्बर्स के नाम हो गए, ऊपर के फ्लोर को हमने आर्ट्रियम कहा, नीचे के फ्लोर को हमने वेंट्रिकल कहा, ये बीच की दीवार है तो इसे राइट आर्ट्रियम, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे राइट आर्ट्रियम, इसे लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये समझ आ गए चारों चैम्बर्स के नाम समझ आ गए। उसके बाद सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा क्या है, जो इनप्योर ब्लड ला रही है ऊपर से, हार्ट जहां है उसके ऊपर के हिस्से से जो इनप्योर ब्लड लेकर आती है उसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। इनफीरियर वेना कावा जो इनप्योर ब्लड नीचे के हिस्से से, हार्ट जहां पर आपकी बॉडी में उससे नीचे के हिस्से में जो इनप्योर ब्लड लेकर आ रही है उसको इनफीरियर वेना कावा कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समझ आ गए। ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड मैंने आपको बताया, इस वाले उसको वाल्व को क्या कहते हैं, ट्राइकास्पिड, यानी कि पहले चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाने के लिए जो दरवाजा है इसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड, तीसरे चैम्बर से चौथे चैम्बर में जाने के लिए जो दरवाजा बना हुआ है इसे बोलते हैं बाइकास्पिड। तो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड आपको दो वाल्व समझ आ गए। फिर है पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व ये बताया था मैंने आपको कि पल्मोनरी के लिए यानी कि लंग्स के लिए जो रास्ता जा रहा है इसको बोलते हैं, इस रास्ते के दरवाजे को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। अरोटिक वाल्व, ये अरोटिक वाल्व था इधर कि अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी को प्योर ब्लड की सप्लाई होती है तो इसको बोलते हैं हम अरोटा, अरोटिक वाल्व, क्योंकि अरोटा के लिए ब्लड जा रहा है तो अरोटिक वाल्व हो गया। अरोटा, ये अरोटा हो गया, ये अरोटा है, पूरी बॉडी को प्योर ब्लड भेजेगा ये, तो बड़ा वाला साफ पाइपलाइन है जो बहुत बड़ी वाली है जो दिल्ली सरकार ने यमुना नदी से निकाल कर बनाई है, इसको अरोटा बोलते हैं। राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन यानी कि राइट लंग्स को गंदा खून ले जाने वाली, लेफ्ट पल्मोनरी वेन यानी कि लेफ्ट लंग्स को गंदा खून ले जाने वाली। राइट पल्मोनरी आर्टरी यानी कि सीधे लंग्स को प्योर ब्लड की सप्लाई लाने ले जाने वाली, मतलब वहां से लाने वाली, और लेफ्ट वाली हो गई आपकी, लेफ्ट लंग से जो प्योर ब्लड आता है वो आर्टरी हो गई। कोरोनरी आर्टरी एक लास्ट वर्ड है, कोरोनरी आर्टरी क्या है, कोरोनरी आर्टरी को मेन आर्टरी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना यार, वो बंदा ना उसको हार्ट अटैक पड़ा था और वो चला गया, उसको मेन आर्टरी में ब्लॉकेज थी, होता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या है, ये हार्ट जो काम कर रहा है लगातार नॉन स्टॉप, इसको खुद को ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है काम करने के लिए, तो हार्ट को जो खुद की ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको खुद को जो ब्लड सप्लाई चाहिए उसको बोलते हैं कोरोनरी, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन। तो मेन आर्टरी, हार्ट की जो मेन आर्टरी और मेन वेन है उसको बोलते हैं कोरोनरी, कोरोनरी। मेन आर्टरी और मेन वेन में अगर कहीं ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट पंपिंग करना बंद कर देगा, है ना, तो उसे बोलते हैं मेन आर्टरी। आपने हॉस्पिटल्स में कभी जाएंगे तो उसमें लिखा होता है कोरोनरी यूनिट, मैंने तो देखा था, मैं हॉस्पिटल में कहीं गया एक बार तो उसमें लिखा था कोरोनरी यूनिट, तो कोरोनरी यूनिट का मतलब कि हार्ट अटैक के पेशेंट को वहीं देखा जाता है, हार्ट अटैक एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो हार्ट का, हार्ट अटैक का मतलब कोरोनरी यूनिट है जिसमें इमरजेंसी हार्ट के पेशेंट को देखा जाता है। कोरोनरी का मतलब है मेन आर्टरी, हार्ट की जो मेन आर्टरी है, जो हार्ट जिसकी वजह से काम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई भेजेगी और हार्ट उसको इनप्योर कर देता है, उसको बोलते हैं कोरोनरी वेन। यहां तक कहानी समझ आई आप लोगों को, यहां तक कोई समस्या? हार्ट, हार्ट एक खोखला मांसपेशीय एवं संकुचनशील मुट्ठी के आकार का अंग है, यानी कि अगर हम अपनी राइट हैंड की मुट्ठी को बंद कर लें, राइट हैंड की मुट्ठी को, तो जितना आपका हाथ है यानी बाई तरफ की कर लो, यानी लेफ्ट राइट को कहीं कहीं कर लो, मुट्ठी बंद कर जितनी आपकी मुट्ठी का साइज बनता है उतना ही बड़ा आपका हार्ट होगा। छोटी मुट्ठी बनती है तो आपका छोटा हार्ट होगा, हार्ट छोटा बड़ा हो सकता है, ये आपके शरीर के डेवलपमेंट पर है ना। कुछ तिरछे के साथ में स्थित होता है, कुछ बाई तरफ है, यानी कि उन्होंने कहा होता है, जो छाती की हड्डी के ठीक पीछे फेफड़ों के बीच में होता है। हार्ट हमारा लेफ्ट और राइट नहीं होता, हम कहते हैं हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, हार्ट लेफ्ट और राइट में नहीं होता, केवल उसका थोड़ा सा झुकाव हमारी लेफ्ट की तरफ होता है, राइट की तरफ झुकाव नहीं होता। तो जिसकी तरफ झुकाव होता है ना, हम कहते हैं यार ये तो उसकी तरफ जा रहा है व्यक्ति,
या उसका झुकाव तो उधर की तरफ है, तो इसलिए हम बोलते थे कि हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। जो छाती की हड्डी के पीछे फेफड़ों के बीच में कुछ बाई तरफ हटा हुआ होता है, बाई तरफ होता नहीं है केवल हटा हुआ होता है, कुछ तिरछेपन के साथ में होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा बोलते कि ये लेफ्ट की तरफ झुका है। हृदय जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना स्वार्थ बिना तनख्वाह के बिना रुके काम करता है, ये एक पंप के रूप में कार्य करता है जिसकी पंपिंग की क्रिया लपडप 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 के साथ होती है। लपडप यानी कि फैलने और सुकड़ने की एक आवाज होती है, कोई भी चीज हम किसी पन्नी को लेकर आप सुकड़ दो तो एक आवाज होती है, उसको फैला दो तो एक आवाज होती है, या किसी कागज की थैली को सुकड़ दो तो एक आवाज होती है, उसे फैलाओ तो एक आवाज होती है, तो लपडप यानी कि सुकड़ने और फैलने की आवाज को ही लपडप कहा जाता है, सुकड़ता और फैलता है। इसकी पंपिंग क्रिया द्वारा ब्लड आर्टरी से होता हुआ, आर्टरी मतलब धमनी से होता हुआ संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है तथा सिराओं से होता हुआ यानी कि वेन से होता हुआ हार्ट में वापस आ जाता है। इस प्रकार इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। इस प्रकार हार्ट एक मीडिएटर का काम करता है। पूरी बॉडी का ब्लड पहले वेन के द्वारा हार्ट में आता है, फिर आर्टरी द्वारा हार्ट से लंग्स में जाता है और लंग्स इसे प्योर करके दोबारा से हार्ट में भेज देते हैं और हार्ट इसको फिर से बॉडी को सर्कुलेट करता है। आगे पढ़ते हैं। हार्ट की दीवार तीन लेयरों से मिलकर बनती है। सबसे पहले अंदर की लेयर एंडोकार्डियम कहलाती है, बीच की लेयर मायोकार्डियम कहलाती है, बाहर की लेयर पेरिकार्डियम कहलाती है। हार्ट पहले दो भागों में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट, जो लाइन इसे डिवाइड करती है उसे सेप्टम बोलते हैं। एक और दीवार है जो उसे चौड़ाई में डिवाइड करती है ऊपर और नीचे के रूप में, इसे हम ऑरिफिस कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। इस तरह इसमें राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, चार चैम्बर्स बन जाते हैं। हार्ट में दो रास्तों से गंदा खून आता है। ऊपर वाले रास्ते को हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, नीचे वाले रास्ते को इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। ये गंदा ब्लड होता है यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। यहाँ एक कीप के आकार का एक छोटा सा छेद होता है जिसे ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं। जब हार्ट सुकड़ता है तो यहां से ब्लड नीचे की ओर जाता है और यहां से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये वाल्व है। जब हार्ट दोबारा सुकड़ेगा तो पल्मोनरी वाल्व को क्रॉस कर यह लंग्स की तरफ चला जाता है, यानी कि जब पल्मोनरी वाल्व से लंग्स की ओर चला जाता है और पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ दोनों लंग्स में पहुंच जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात तो ये है, चलो इसको समझाता हूँ आपको, ये समझाने के बाद ही इसको समाप्त करूंगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि हमारे आर्टरीज के अंदर अच्छा ब्लड होता है और वेन के अंदर बेकार ब्लड होता है, याद करने का तरीका भी मैंने ऐसे बताया था आपको, आर्टरीज के अंदर अच्छा ब्लड और वेन के अंदर बेकार ब्लड। तो हमारी बॉडी में हर जगह पर यही कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर भी हम आर्टरीज का यूज करते हैं, चाहे वो कोई भी आर्टरी हो, लिवर की आर्टरी हो, आपके स्प्लीन की आर्टरी हो, पेट की हो, किडनी की हो, तो किडनी की आर्टरी को हम बोलते हैं रिनल आर्टरी, रिनल का मतलब किडनी, तो रिनल आर्टरी मतलब अच्छा खून होगा। रिनल वेन का मतलब जो किडनी ने यूज कर लिया ब्लड, उसको उसका गंदा खून जो निकलेगा जिस रास्ते से उसको बोलते हैं रिनल वेन। ऐसे लिवर को जो प्योर ब्लड की सप्लाई होगी तो उसको बोलते हैं हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक का मतलब होता है लिवर, तो ब्लड को जो लिवर को जो प्योर ब्लड जा रहा है उसको बोलते हैं हिपेटिक आर्टरी। लेकिन लिवर उसको यूज कर लेता है, खून को गंदा कर देता है, खून गंदा कर एक रास्ते से बाहर निकाल देता है, जिस रास्ते से वो गंदा खून निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे, हिपेटिक वेन, हिपेटिक वेन। जो इसी प्रकार हमारा लंग्स है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, तो वेन और आर्टरी का मतलब आपको समझ आ गया कि जो आर्टरी है उसमें अच्छा खून होगा और वेन का मतलब होगा गंदा खून। इस कॉन्सेप्ट को हम पूरी बॉडी में लागू करते हैं लेकिन लंग्स में आकर इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर देते हैं। लंग्स क्या करता है, लंग्स को ये मतलब नहीं कि किसमें साफ खून है किसमें गंदा खून है, उसे कोई मतलब नहीं। हार्ट ये कहता है कि मैं अपने शरीर का राजा हूं क्योंकि मेरे बिना तो शरीर काम नहीं कर सकता, मेरा जो एरिया है मैं वहां पर अपने हिसाब से नियम बनाऊंगा। बॉडी कहती है ठीक है भाई क्या करना है, तो हार्ट ये कहता है कि साफ और गंदे खून से कोई मतलब नहीं है मुझे, आप साफ खून वाले को आर्टरी कहो, गंदे खून वाले को वेन कहो, लेकिन मेरे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, जो भी मुझे ब्लड लेकर आएगा
जो भी ब्लड लेकर आएगा, क्योंकि मैं राजा हूँ और मेरे मेरे एरिया में कोई भी ब्लड लेकर आएगा तो मैं उसे क्या बोलूंगा, वेन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, वेन बोलूंगा। साफ और गंदे का मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे लिए सब बराबर है, गंदा खून हो साफ खून हो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी मेरे लिए ब्लड लेकर आएगा यानी मुझके मेरे अंदर लेकर आएगा मैं उसे वेन बोलूंगा। जो भी मुझसे लेके जाएगा, जो भी मुझसे ब्लड लेके जाएगा मैं उसे क्या बोलूंगा, आर्टरी बोलूंगा। बात को दोबारा से समझना, जो भी मेरे लिए ब्लड मेरे अंदर लेकर आएगा उसे मैं वेन बोलूंगा, जो मुझसे लेकर जाएगा उसे मैं आर्टरी बोलूंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब गंदा खून जो मेरे लिए ब्लड लेकर आएगा उसे मैं क्या बोलूंगा, वेन बोलूंगा। जो मेरे लिए ब्लड लेकर आएगा मैं उसे वेन बोलूंगा, जो मुझसे ब्लड लेके जाएगा उसे आर्टरी बोलूंगा। तो ब्लड के अंदर कौन लेकर आ रहा था, हार्ट के अंदर ब्लड कौन लेकर आ रहा था, कौन लेकर आ रहा था, एक तो नीचे से ब्लड जो है गंदा खून आ रहा है वो हार्ट के अंदर आ रहा है, और एक लंग से जो जो साफ खून आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं ना, दोनों ही हार्ट के अंदर आ रहे हैं। बॉडी से गंदा खून हार्ट में आ रहा है और जो लंग्स ने उसे भेज करा वो उसे साफ करा था वो भी उसके अंदर आ रहा है। तो दोनों ही आ रहे हैं, इधर गंदा आ रहा है उसे साफ आ रहा है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, वेन है। यहाँ तो हमने समझ लिया, चलो सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा, यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन जो लंग्स से आ रहा था तो उस रास्ते का नाम क्या होना चाहिए था, जो साफ खून लेकर आ रहा है उसका नाम होना चाहिए था पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो साफ खून भेज रहा है, लंग्स साफ खून भेज रहा है ना हार्ट को, तो पल्मोनरी आर्टरी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है और हार्ट ये कहता है कि ये क्या है मेरे लिए, पल्मोनरी वेन है, क्योंकि ये मेरे लिए ब्लड लेकर आ रही है। मुझे मतलब नहीं है कि आप साफ लेकर आ रहे हो गंदा लेकर आ रहे हो, मुझे मतलब मेरे अंदर लेकर आओगे तो मैं उसे वेन ही मानूंगा। तो वो जो एक्चुअल में गंदा लेकर आ रही थी वो तो समझ आ गया कि हमें वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, लेकिन जो हार्ट से प्योर होने के बावजूद उस रास्ते का नाम हमने रखा पल्मोनरी वेन, तो ये दोनों ही पल्मोनरी वेन हो गया, ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो मुझसे लेके जाएगा मैं उसे आर्टरी ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा, जो मुझसे लेके जाएगा उसे मैं आर्टरी ही बोलूंगा। अब आपने देखा था अरोटा जो साफ खून लेके जा रहा था पूरी बॉडी के लिए, वो अरोटा था, वो तो कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है, क्योंकि अरोटा है तो आर्टरी है, आर्टरी है तो आर्टरियोल्स है, यानी कि उसके अंदर तो प्योर ब्लड जा रहा है, इसलिए हमने अरोटा कहा, कोई बात नहीं। लेकिन अब दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि इन प्योर ब्लड हार्ट से लंग्स की ओर जाता है, इन प्योर ब्लड दूसरे चैम्बर से हार्ट की तरफ लंग्स की तरफ जाता है प्योर होने के लिए। तो इसका नाम तो ये होना चाहिए ना, पल्मोनरी वेन होना चाहिए था इसका नाम, क्योंकि ये गंदा खून है, कहां जा रहा है, लंग्स के लिए जा रहा है, कहां से जा रहा है, हार्ट से जा रहा है, तो इसका एक्चुअल नाम तो पल्मोनरी वेन होना चाहिए थे। लेकिन हार्ट की वजह से ये हार्ट ने जिद करके रखी थी कि जो मुझसे ब्लड लेके जाएगा वो मेरे लिए आर्टरी ही होगी, तो इस रास्ते का नाम क्या बोलते हैं, मजबूरन पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, क्योंकि हार्ट की जिद है कि जो मुझसे ब्लड लेके जाएगा वो चाहे वो साफ होने के लिए जा रहा हो चाहे पूरी बॉडी में जा रहा हो मेरे लिए वो आर्टरी ही होगी। तो यहाँ पर गंदा खून हार्ट से लंग्स के लिए जा रहा है, उसका नाम एक्चुअल में तो पल्मोनरी वेन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं क्योंकि हार्ट की जिद है और हार्ट नाराज ना हो जाए इसलिए हम उसको मानते हैं। तो ये पूरी बॉडी में केवल उल्टा यहाँ पर है, बाकी पूरी बॉडी में कहीं भी उल्टा नहीं है। तो अब आपको समझ आना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होगा। पल्मोनरी आर्टरी उसको बोलते हैं, जो लंग्स के लिए ब्लड लेके जा रही है, हार्ट से लंग्स के लिए प्योर इनप्योर ब्लड लेके जा रही है प्योर करने के लिए। हार्ट लंग्स को ब्लड सप्लाई भेज रहा है इनप्योर ब्लड की, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और जबकि लंग्स उसे प्योर कर दोबारा से हार्ट में भेजता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। तो केवल हार्ट में ही ये उल्टा कॉन्सेप्ट है, पूरी बॉडी में कहीं पर भी नहीं है, इसे एक्सेप्शनल बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं, हर जगह पर अपवाद है। जैसे एक आदमी किसी आदमी को जान से मार दे, गोली मार दे, तो वो उसे होगी फांसी की सजा होगी, लेकिन एक आदमी अपनी सुरक्षा में किसी को गोली मार दे तो उसे फांसी कभी नहीं होगी, ये है अपवाद। तो अपवाद हर जगह होता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी है कि अगर आप सुरक्षा के तौर पर यानी कि अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी को गोली मार दे तो आपको फांसी नहीं होगी, लेकिन अगर वैसे किसी को मार दे तो फांसी होगी ही होगी,
ऐसे ही पूरी बॉडी में आर्टरी और वेन्स एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। आर्टरी का मतलब अच्छा खून, वेन का मतलब बेकार खून। लेकिन हार्ट के अंदर जो हार्ट को ब्लड लेकर आ रहे हैं वो वेन है, जो हार्ट से ब्लड लेकर जा रहे हैं वो क्या है, आर्टरीज है। अब मैं दोबारा से इसको थोड़ा समझा देता हूँ। हार्ट ने कहा जो मुझे ब्लड लेकर आएंगे, कोई भी लेकर आओ मुझे कोई मतलब नहीं है, वो मेरे लिए क्या होंगे, वेन होंगे। तो यहां से प्योर होकर हार्ट को आ रहा है ना, यहां से प्योर होकर हार्ट को आ रहा है, यहां से इनप्योर आ रहा है। तो ये दोनों आ रहे हैं ना हार्ट के लिए, हार्ट के अंदर आ रहे हैं। तो ये तो सुपीरियर वेना कावा और इनफीरियर वेना कावा समझ आ गया था, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो समझ आ गया क्योंकि ये सुपीरियर वेना कावा और इनफीरियर वेना कावा है। लेकिन ये तो भाई ये तो प्योर ब्लड था ना यहाँ पर, फिर भी हम मजबूरन इनको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। ये दोनों क्या है, पल्मोनरी वेन है, जबकि इनके अंदर क्या है, प्योर ब्लड है। दूसरा हार्ट ने कहा था जो मुझसे ब्लड लेके जाएंगे वो मेरे लिए आर्टरी होंगे, जो मुझसे ब्लड लेके जाएंगे वो आर्टरी होंगे। तो यहाँ तो समझ आ गया, चलो ये प्योर ब्लड है और ये अरोटा के द्वारा पूरी बॉडी को प्योर ब्लड जा रहा है। तो अरोटा मतलब आर्टरी ही है, दोनों एक छोटा एक मोटा आदमी बस, तो अरोटा के द्वारा तो पूरी बॉडी को ब्लड जा रहा है। लेकिन यहाँ तो ये ब्लड जो था इनप्योर था, जो लंग्स के पास जा रहा था प्योर होने के लिए। तो मजबूरन हमारे हार्ट के जिद में हमने इसको, इसका नाम क्या होना चाहिए था, पल्मोनरी वेन होना चाहिए था, लेकिन मजबूरन हमने यहाँ का नाम लिखा इसका पल्मोनरी आर्टरी लिखा। देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी राइट, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट। तो इस तरीके से मजबूरन हार्ट की जिद में हमने इस गंदा खून होने के बावजूद इसको पल्मोनरी आर्टरी कहा, ये साफ खून होने के बावजूद इसको पल्मोनरी वेन कहा। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये अपवाद है पूरी बॉडी में छोड़कर, यह केवल हार्ट में अपवाद है। इतनी कहानी समझ आ गई।